तो गाइस जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं वो ये चीज जरूर सोच रहे होंगे, शमशाद भाई का एक वीक से वीडियो नहीं आ रहा मेरे भाई, अगर ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा मेरे भाई। तो एक चीज मैं बता दूं मेरे भाई कि यहाँ पे मेरे साथ थोड़ा सा कांड हो गया था, लेकिन इस कांड को लेके कभी और हम लोग चर्चा कर लेंगे, कोई भी तरह का दिक्कत नहीं। कभी इंस्टाग्राम पे बात कर लेंगे, फेसबुक पे बात कर लेंगे, या फिर अगर आपको मेरे घर पे आके बात करना है तो वो भी हम लोग कर लेंगे। लेकिन आज का ई वाला वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमआई की तरफ से एक नया मोबाइल आया है 10i 5G को लेके। आई नो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने वीडियो ऑलरेडी देख रखा होगा, लेकिन आज का ये वाला वीडियो में जो भी कंफ्यूजन है आपको इस फोन को लेके, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। मेरा जो ओपिनियन है एकदम सुखा सुखी खुल्ला खुल्ली सब कुछ आपको बता देंगे, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा इस फोन के रिगार्डिंग। लेके हां बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, बहुत सारी खराब चीजें भी हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो इसी टाइप की वीडियोस के लिए। तो एमआई की तरफ से ये जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ मेरे भाई एमआई 10i 5G, ये बेसिकली आपको तीन वेरिएंट में देखने को मिलने वाला है। जो पहला वेरिएंट है 6GB 64GB वाला वेरिएंट, ये लगभग आपको 21,000 रुपए मिल जाएगा। जो दूसरा वेरिएंट है ये लगभग आपको मिल जाएगा 22,000 रुपए में 6GB 128GB वाला। और जो तीसरा वेरिएंट है मेरे भाई 8GB 128GB वाला वेरिएंट, ये आपको मिल जाएगा 24,000 रुपए में। ठीक है ना मेरे भाई, तो यहाँ पे सोच समझ के लेना। मेरे ख्याल से 64GB देना आज के टाइम में वो भी 21,000 के फोन में क्या ही हम बोल सकते हैं। तो बस बात करें इसके डिस्प्ले को लेकर, तो यहाँ पे जो डिस्प्ले दिया गया वो 6.6 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया, आईपीएस एलसीडी वाला डिस्प्ले है, गोरिल्ला ग्लास फलाने ढिमकाना जो प्रोटेक्शन हो तो वो सारी चीजें यहाँ पे दिया गया है। सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये है कि 120Hz के यहाँ पे रिफ्रेश रेट भी दिया गया। इसका मतलब ये है कि भैया स्क्रॉलिंग वगैरह करोगे, मोबाइल वगैरह चलाओगे तो मक्खन की तरह चलेगा। लेकिन एक चीज हम यहाँ पे एमआई से पूछना चाहते हैं मेरे भाई, 21, 22, 24 हजार का मोबाइल है, एमोलेड दे देते तो क्या ही हो जाता। थोड़ा सा यार काम किया करो मेरे भाई, आजकल लोगों को एमोलेड ज्यादा पसंद आ रहा है। अब लोग किसी लोगों को एलसीडी पसंद है तो किसी लोगों को एमोलेड पसंद, लेकिन जो रेट ले रहे हो मेरे भाई उस रेट के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है आपको यहाँ पे एमोलेड देना चाहिए। तो बस बात करें अगर इसके प्रोसेसर के बारे में, तो मेरे भाई यहाँ पे जो प्रोसेसर दिया गया वो स्नैपड्रैगन के 750G वाला 5G प्रोसेसर दिया गया है। अब एक चीज मैं बता दूं, प्रोसेसर काफी अच्छा, कोई भी तरह का दिक्कत नहीं, गेमिंग वगैरह भी खेलोगे मेरे भाई आराम से चलेगा। अगर आप कंपेयर भी करते हो स्नैपड्रैगन 765G से तो भी जो है रिजल्ट लगभग में ही सेम आएगा, 19-20 का अंतर हो सकता है, लेकिन प्रोसेसर वाइज अगर देखोगे मेरे भाई प्राइस के अकॉर्डिंग तो काफी अच्छा प्रोसेसर आपको मिल जाता है यहाँ पे। रही बात बैटरी को लेकर, तो यहाँ पे जो बैटरी दिया गया है मेरे भाई वो है 4820mAh की बैटरी दी गई है, 33W का फास्ट चार्जिंग दिया गया है। लेकिन एक चीज मुझे हमको समझ में नहीं आता, ये चीज कि 20-30 का कैलकुलेशन मेरे भाई, डायरेक्ट 5000mAh का बैटरी कर दो या 4000mAh का बैटरी कर दो या 4500mAh का बैटरी कर दो, ये 4820 भैया भूल जाता आदमी ना, हम लोग को बोलने में भी दिक्कत होता है। फिलहाल बैटरी भी काफी अच्छा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन हाँ ठीक ठाक है। तो इस फोन का जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो है इसका कैमरा। एक जमाने में हम लोग यूज करते थे 2 MP 5 MP 8 MP 12 MP, लेकिन आज के टाइम में आ गया है 108 MP। आप सोच रहे होगे भैया 108 MP का कैमरा क्या ही बवाल फोटो आएगा, ताबड़तोड़ आएगा, साला DSLR को फेल कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं मेरे भाई, मैं आप लोगों को हमेशा बता दूं कि मेगापिक्सल उतना मैटर नहीं करता जितना उसका सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन करता, फोटो किस तरह से प्रोसेस होके निकल रहा है फोन के अंदर से मेरे भाई, ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा मैटर करता मेरे भाई। 12 मेगापिक्सल देख लो ना मेरे भाई आईफोन में एग्जांपल है, लेकिन यहां पे 108 मेगापिक्सल सिर्फ इसलिए दिया गया कि आपको किस तरह से लुभाया जाए, ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है मेरे भाई। इसका मतलब ये नहीं कि फोन बहुत खराब है, फोटो बहुत खराब आएगा, मैं बस इतना बता रहा हूं कि 108 मेगापिक्सल इतना लंबा नंबर देने की क्या जरूरत, क्या दरकार था मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ यहां पे आपको चार कैमरा मिलेगा, एक तो 108 मेगापिक्सल का मैंने आपको बता दिया, एक है आपको अल्ट्रा वाइड के लिए 8 मेगापिक्सल का दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का आपको माइक्रो दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग दिया गया। मेरे भाई 108 मेगापिक्सल और यहां पे दिया गया है फिर 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, बहुत नाइंसाफी होगी ये लोग साथ नहीं। 16 मेगापिक्सल का आपको यहां पे फ्रंट कैमरा भी मिल जाता, यार 32 मेगापिक्सल का दे देते, 108 दे रहा है उसके कंपेयर में कुछ तो यहां पे थोड़ा नंबर बढ़ा दो तब ना मजा आए। फिलहाल ये जब फोन आएगा मेरे पास उसके बाद जब मैं टेस्ट करूंगा उसके बाद जो है और भी मजा आएगा। लेकिन यहाँ पे अच्छा यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे अपनाया है 108 मेगापिक्सल देके, आपको क्या लगता है वो मुझे जरूर कमेंट में बताना। लेकिन फिलहाल मैं इस फोन के बारे में आप लोगों को सीधे सीधे बता दूं कि मेरा ओपिनियन क्या है इस फोन को लेके। तो इस फोन में जो मुझे सबसे बुरी चीज लगी वो है देखा देखी वाला आदत यहाँ पे अपनाया गया। जब नॉट लॉन्च हुआ था तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को याद होगा जो बेस वेरिएंट था वो कमिंग सून लिख दिया गया था, जो उसके
ऊपर का जो वेरिएंट था, बोले तो 6GB 64GB के जो ऊपर वेरिएंट थे वो आप लोगों को आराम से सेल में मिल रहा था, और वही चीज यहां पे भी अपनाया गया है। MI 10i 5G का जो बेस वेरिएंट है 6GB 64GB है, ये आपको नहीं मिलेगा, ये आपको कमिंग सून लिखा गया है। एक बात हमको बस समझ में नहीं आता, 6GB 128GB 8GB 128GB आपको मिलेगा, लेकिन ये चीज कमिंग सून लिख दिया गया, मतलब कहां से आ रहा है, रसिया से आ रहा है या कहां से आ रहा है मेरे भाई? अरे देना है तो दो, बेचना है तो बेचो यार, एक साथ लॉन्च करो ना मेरे भाई। ये क्या फंडा समझ में नहीं आता है, ये सब जो तोचलाबाजी, मतलब महंगा मोबाइल हम पहले बेच देंगे और जो सस्ता वाला वो बाद में बेचेंगे, मतलब जिसको लेना है जो इंटरेस्ट है वो तो ले ही लेगा ना मेरे भाई 6GB 128GB। तो ये धोखाबाजी वाला काम मत किया करो। दूसरी जो चीज मुझे लगा खराब वो ये है मेरे भाई कि 21,000 रुपए में 6GB 64GB कौन लेगा मेरे भाई? आज के टाइम में जब जो फोटो वगैरह भी खींचते हैं तो 4MB 5MB का होता है, वीडियो वगैरह बनाते हैं तो 5-10 मिनट का वीडियो बनाओगे HD में तो 500MB के ऊपर चला जाता है, और 64GB दे रहे हो मेरे भाई। गेम्स वगैरह देख लो, अच्छे अच्छे क्वालिटीज का अगर ग्राफिक्स वाला भी गेम अगर आप खेलोगे तो यहाँ पर आपका स्टोरेज का तो पता ही नहीं चलेगा, ऊपर से हाइब्रिड स्लॉट है, तो 6GB 64GB देके क्या कर रहे हो मेरे भाई? 21,000 रुपए में आप ले रहे हो और स्टोरेज के नाम पे कद्दू दे रहे हो, लॉन्च ही नहीं करना आपको, डायरेक्ट कमिंग सून काहे लिख रहे हो, काहे तड़पा रहे हो झूठ मूठ का? तो ये एक चीज मुझे बहुत ही ज्यादा खराब लगा। तीसरा जो चीज जो मैंने आपको पहले ही बताया कि 2021 आ गया है और अभी तक जो आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे एंड्रॉइड 11 नहीं देखने को मिल रहा है, ये एक चीज भी मुझे यहाँ पे खराब लगा। ठीक है, तो फिलहाल इस फोन को लेके मुझे ये जो चीजें थी मैंने मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया। और फिलहाल ओवरऑल अगर बात करें प्राइस के अकॉर्डिंग तो 5G मोबाइल है, अच्छा प्रोसेसर दिया गया है, 108 मेगापिक्सल का कैमरा भी दिया गया है, मतलब ऐसे ही लोग ना बोल रहे मेरे भाई, अब जो दिखता है वही बिकता है, क्या करोगे आजकल तो पब्लिक को वही चाहिए ज्यादा। अब कैसा जो है परफॉर्मेंस निकल कर आएगा वो तो मोबाइल आप लोग यूज कीजिएगा तभी समझ में आएगा, लेकिन 108 देख के तो मोबाइल वो मत ले लीजिएगा, ठीक है ना, एक बात हम बता दे रहे हैं आपको। लेकिन हाँ, अकॉर्डिंग टू प्राइस 22,000 रुपए के हिसाब से आप लोग मान सकते हो कि 6GB 128GB वाला जो वेरियंट है वो एक सही डील हो सकता है आप लोगों के लिए, अगर आपका प्राइस ये है, ठीक है ना मेरे भाई। अगर आपको इस फोन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछना है मुझे कमेंट में जरूर पूछिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस पसंद आती मेरे भाई तो वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई भी तरह की दिक्कत नहीं है। मैं मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ख्याल जरूर रखिए।